आप अपने बच्चों के कपड़े कहाँ पर ऑर्गेनाइज करके रखते हैं? स्मॉल शेल्फ में, कबर्ड्स में, या फिर बिग शेल्फ में? या फिर आप मेरी तरह कोई रेंटेड घर पर है और आपके पास कोई शेल्फ एंड कबर्ड नहीं है, तब आप अपने बच्चों के कपड़े कहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे? तो आज मैं आपको इस वीडियो में सभी वेज शेयर करूँगी जिससे आपके बच्चों के कपड़े हमेशा ऑर्गेनाइज रहेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरी मन्नत व्लॉग्स। अगर ये वीडियो मेरे सब्सक्राइबर्स के अलावा न्यू मेंबर्स देख रहे हैं तो मैं उनके लिए बता दूं, मैं न्यूली इस घर में शिफ्ट हुई हूँ तो बच्चों के कपड़े मैं अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं की थी बिकॉज ऑफ घर के बाकी के काम इतने थे और साथ ही बच्चों की केयर भी करना, तो मैं अरेंज नहीं कर पाई थी। जहाँ स्पेस मिली, जहाँ जगह मिली, वहाँ पर बच्चों के कपड़े रखते गए और इतना मिस क्रिएट हो गया था, इतना क्लटर हो गया था कि तो फाइनली मैं आज सोच ही ली थी कि आज अपने बच्चों के कपड़े ठीक कर ही लूँ, क्योंकि उसकी कोई भी चीज़ें, कोई भी सामान मुझे तुरंत जब चाहिए होता था ना तब नहीं मिलता था। तो कभी मुझे चाहिए वो पैंट नहीं मिलता, तो कभी मुझे फ्रॉक नहीं मिलता, तो कभी टी शर्ट, तो ये सब हो रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि आज ये मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज कर ही लूँ जिससे मुझे हर चीज़ अपनी जगह मिले और टाइम पर मिले। बच्चों की क्लोज़ेट ऑर्गेनाइज करने का सबसे मुश्किल काम को कैसे इजीली सेट कर सकते हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हम बच्चों की क्लोज़ेट ऑर्गेनाइज करके काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको मेरे बच्चों के कपड़े कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ वो बताऊँगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों के कपड़ों को और उनके चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में आती है, तो अगर हम पर्टिकुलर स्पेस दे देंगे तो बहुत इजी होगा और आपका 90% काम हमेशा फिनिश रहेगा। और साथ ही ये भी इस वीडियो में शेयर करूँगी कि अगर आपके पास कबोर्ड है और शेल्फ है और आप उसमें कपड़े रखते भी हैं तो कैसे अरेंज कर सकते हैं जिससे वो मिस क्रिएट ना कर सकें, और अगर आपके पास कबोर्ड्स या शेल्फ नहीं हैं तो आप कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे वो भी शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, आप इस वीडियो से ज़रूर कुछ तो सीखेंगे। कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरा सबसे पहला एक्शन यही होता है कि मैं उस स्पेस को पूरी तरह से एम्प्टी कर लूँ। देन मैं सोचती हूँ एंड अपने माइंड में एक रफ सा स्केच बना लेती हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ अरेंज करना है। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो अनवांटेड कपड़े हैं, जैसे कि छोटे कपड़े या फिर डल कपड़े, तो वो वापस से इसमें ना रख पाऊँ। सभी कपड़ों को फोल्ड करते हुए ही मैं इन कपड़ों को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर लूँगी, जैसे कि पैंट्स की अलग, फ्रॉक्स की अलग, टी शर्ट्स की अलग, डेली वेयर की अलग। ऐसा करते हुए ही मैं अपने कपड़ों को फोल्ड करके अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर लूँगी। छोटे बच्चों के कपड़े इतने छोटे छोटे होते हैं कि अगर अरेंज करके ना रखे तो वो कहाँ गायब हो जाते हैं पता भी नहीं चलेगा। बच्चों को कपड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी गंदे कर लेते हैं। वैसे हम सबके पास ना तीन तरह के कपड़े होते हैं, एक तो डेली रेगुलर जो पहनाते हैं हम वो कपड़े होते हैं, एक पार्टी वेयर होते हैं, एंड कहीं हमको बाहर जाना पड़े या कहीं उस तरह के कपड़े कहीं बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, उस तरह के कपड़े अलग होते हैं। तो उन सभी को अलग अलग करके रख लें, सबको एक जगह कर इकट्ठा ना रखें। अगर हम इन सभी कपड़ों को इकट्ठा रख लेंगे ना तो इतना ज़्यादा मिस क्रिएट हो जाएगा कि आपको टाइमली कोई चीज़ नहीं मिलेगी। और साथ ही अगर हमें कहीं जाना हो और हम कपड़ों, बच्चों के कपड़ों के साथ मिक्स एंड मैच करते हैं तब हम वो काम नहीं कर सकते, और अगर कर भी लेंगे ना तो टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मिस क्रिएट हो जाएगा और साथ ही देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बेहतर यही होगा कि आप इन सबको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके ही रखें जिससे आपको बाहर कहीं भी जाना हो, कहीं पार्टी में जाना हो, आपको कपड़े जल्द मिल सके।
बच्चे 4 से 5 साल के ऊपर हैं, अगर आप बोलें कि ये सामान वहाँ रख दो तो वो अपनी जगह रख देंगे, लेकिन 4 से कम एज के बच्चों को आप कितनी भी बार बोलेंगे वो प्रॉपर नहीं रख पाएंगे। जैसा अभी मेरी सिचुएशन है, अभी मेरी बड़ी लड़की 3 इयर्स की है एंड छोटी लड़की 1 ईयर की है, तो ऐसे बच्चों के कपड़ों को हमको ही हैंडल करना है, लेकिन हम ही कभी इतने लेजी हो जाते हैं कि कपड़े इधर उधर रख देते हैं। तो उसके लिए भी मैंने कुछ शॉर्ट्स ली हूँ जो आपको इसी वीडियो में आगे बताऊँगी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने कैजुअल वेयर कपड़े जो आने जाने में यूज़ होते हैं कैजुअल वेयर के, वो अलग रखे हैं एंड डेली वेयर के कपड़े मैंने अलग रखे हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर 4 बैग्स लिए हैं, जिसमें मैंने 2 बैग शाज़लीन के न्यू क्लोथ्स एंड शगुफ्ता के न्यू क्लोथ्स रखी हूँ, जिससे मुझे पता चलेगा कि जब भी मुझको न्यू कपड़े चाहिए हो तो डायरेक्ट मैं ये बैग्स ओपन कर लेती हूँ। इसमें मैंने बड़े कपड़े रखे हैं, यानी कि अगर हम शॉपिंग वगैरह जाते हैं तो कुछ कपड़े हमको पसंद आ जाते हैं जो बड़े होने की वजह से हम उनको साथ ही पहना नहीं सकते, तो वैसे कपड़े मैं इस बैग में रख देती हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी बताया है, सेम एज इट इज़ मैं शगुफ्ता के न्यू क्लोथ भी सेकंड बैग में रख दूंगी। जब भी मुझको चाहिए ना, डायरेक्ट मैं इंडेक्स को ओपन कर लूंगी, ज़्यादा मुझे ढूंढने की एंड टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बैग में ट्रांसपेरेंट कवर होने के कारण मैंने एक स्लिप रख दिया है, जिससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि किसने किसके कपड़े और कौन से कपड़े रखे हैं। देन आपके बच्चों के क्लोथ्स में ऐसे क्लोथ्स हैं जो कि गुड कंडीशन में हैं बट स्टिल वो पहनना पसंद नहीं करते, तो उनको भी अलग कर लें। क्लोज़ेट में वो सिर्फ आपकी स्पेस ऑक्यूपेट कर रहे हैं बट वो किसी नीडली के काम आएंगे। वैसे हम सबके पास बहुत सारे क्लोथ स्टॉक रहते हैं जो कि हम किसी भी रीज़न की वजह से हम उन्हें नहीं पहनाते, जैसे कि फिटिंग इशू है, अल्ट्रेशन ड्यू है, तो सबसे पहले 2 बैग्स और बास्केट ले लें, जिससे वो डस्ट से प्रोटेक्ट रहे। अब हम इसको लेबल कर लेंगे 1 अल्ट्रेशन एंड अदर डोनेशन। जिन भी क्लोथ्स को अल्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है उनको अलग कर लें, इससे फर्स्ट ऑफ ऑल मिस नहीं रहेंगे एंड सेकंड अल्ट्रेशन के टाइम पे आपको सारे कपड़े एक ही जगह मिल जाएंगे, आपको उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो अभी मैं सभी कपड़ों को अरेंज कर ली हूँ, तो अब बारी आती है कि इनको हम कहाँ ऑर्गेनाइज करें। अगर आपके पास कबर्ड हो तो आप कबर्ड में अरेंज करेंगे, अगर आपके पास स्मॉल शेल्फ हैं तो आप उसमें अरेंज करेंगे, और किसी के पास बड़े शेल्फ यानी कि ब्रॉड वाले शेल्फ अगर उनके पास है तो वो लोग उसमें अरेंज करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कबर्ड है तो आप शायद इस तरह कपड़े अरेंज करते होंगे, लेकिन ऐसे कपड़े कितने दिन रहते हैं, कुछ ही दिन में मिस क्रिएट कर देते हैं। अगर हम एक कपड़े लेंगे तो उसके साथ बाकी के कपड़े भी आएंगे, अगर हम इसको आराम से अच्छे से निकालते भी हैं तो ये कुछ ही दिन में कबर्ड की हालत इस तरह हो जाएगी। तो अब हम इसे कैसे अरेंज करेंगे? अगर आप स्मॉल शेल्फ में कपड़े अरेंज करते हैं तो इसकी हालत भी सेम एज इट इज़ हो जाएगी, लेकिन जब हम बड़े शेल्फ में कपड़ों को अरेंज करते हैं तो क्या आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनमें स्पेस ज़्यादा होने के कारण कपड़े पीछे की तरफ ही गिर जाएंगे और अच्छे से अरेंज भी नहीं रहेंगे। तो अब हम क्या करें जिससे कि कपड़े ऑर्गेनाइज भी रहे और कपड़े जल्दी मिस भी ना हो? तो इन सब के लिए आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर यूज़ कर सकते हैं। वैसे मार्केट में बहुत ऑर्गेनाइजर्स अवेलेबल हैं, लेकिन इनमें से एक ये भी है जो इस तरह ओपन शेल्फ में कपड़ों को अरेंज करके ही रखेंगे, लेकिन ये थोड़ा प्राइसी होते हैं। आप लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन उस तरह के 2 डिवाइडर ख़रीदने के बजाय अगर आप बास्केट्स लेंगे तो आपके कपड़े ऑर्गेनाइज भी रहेंगे और साथ ही बजट फ्रेंडली भी रहेंगे। अगर हम बास्केट्स लेंगे तो हम इन सब में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कबर्ड्स में, शेल्फ में हम इजीली अरेंज कर सकते हैं।
ऑर्गेनाइजर यूज़ करना होगा बच्चों के कपड़े, क्योंकि इतने छोटे छोटे होते हैं कि अब हम नॉर्मली इसको अरेंज करने जाते हैं तो वो नहीं रह पाते। तो जब हम कंटेनर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करते हैं तो तब जाके कहीं अच्छे से अरेंज हो पाते हैं। तो मैं यहाँ सारे कपड़े फोल्ड कर दी हूँ, जैसे कि मैं अभी बताई हूँ उस मेथड से कपड़े अरेंज ना करें। इससे होता यह है कि एक तो हम सारे कपड़े क्लियर नहीं देखेंगे, इससे कि जब हम कपड़े लेने होते हैं तो हमको जो सामने दिखेंगे, जो ईजिली मिलेंगे, हम वही कपड़े उठाते हैं। लेकिन अगर हम इस मेथड से अरेंज करते हैं तो हमको सब कपड़े क्लियर दिखेंगे और मिक्स एंड मैच करते जब भी इस तरह से अरेंज किए हुए कपड़े ईजिली कर पाते हैं। इस मेथड को फॉइलिंग मेथड कहते हैं। जैसे कि अभी हम इस बास्केट को इस शेल्फ में रखेंगे तो बहुत अच्छे से अरेंज रहेंगे कपड़े और आपस में मिक्स भी नहीं होंगे और मिस भी क्रिएट नहीं करेंगे। और हम इसको जैसे आपकी मर्जी चाहे रख सकते हैं, इससे वो कपड़े हिलेंगे भी नहीं। आपने शेल्फ के साइज़ के रिक्वायरमेंट और आपके बच्चों के कपड़ों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बास्केट्स बड़े या छोटे ले सकते हैं। अगर हम इस बास्केट्स को कबर्ड में रखेंगे ना तो तब भी ये बहुत अच्छे से अरेंज रहेंगे और हम इसको लेबल कर लेंगे, जैसे कि जिस बास्केट में हम जो कपड़े रखे हैं वो अगर लेबल कर लें तो फिर हम ना तो रखने के लिए कंफ्यूज होंगे और ना ही कपड़े निकालने के लिए। तो आप भी अगर बास्केट्स में रखेंगे तो लेबल ज़रूर कर लें। तो जैसे कि अभी हम बड़े शेल्फ में कपड़े अरेंज करें तो पीछे के साइड में कुछ रख दें जिससे कपड़े पीछे ना गिरे। जैसे कि मैं यहाँ अभी जो बैग्स मैं अरेंज की हूँ ना, वो कपड़े वो यानी कि वो बैग्स मैं यहाँ रख दूँगी। मार्केट में या ऑनलाइन इस तरह के बैग्स भी अवेलेबल हैं, तो आप इस तरह के बैग्स भी ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं तो इस तरह के बैग्स परफेक्ट रहेंगे, लेकिन 5 साल से कम एज वाले बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इसमें डेली वेयर के ना रखते हो, नहीं तो आप पार्टी वेयर या न्यू क्लोथ ईजली आप इसमें अरेंज कर सकते हैं अगर आपके बच्चे 5 साल से कम भी हो। अगर आपका शेल्फ बड़ा हो और अगर आप इनमें से कुछ भी ना रखना चाहते हो तो आप इस तरह के बड़े बास्केट्स भी रख सकते हैं। अगर आप इसको अच्छे से अरेंज करें हो तो सिंपली इसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये बास्केट्स यूज़ नहीं करना चाह रहे हो तो आप इस तरह की बास्केट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमको कपड़े इस मेथड से ही अरेंज करेंगे तो आप किसी भी बास्केट में इजीली कपड़े ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ अब मैं जितना भी बता रही हूँ ये सब मैं आपके लिए एग्जांपल्स दे रही हूँ, लेकिन मैंने अपने बच्चों के कपड़ों को ना ही कबर्ड्स में और ना ही शेल्फ में सेट की हूँ। अगर आप ओपन शेल्फ में बास्केट्स यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर उस बास्केट्स को लिड हो, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल डस्ट जाने के चांसेस रहते हैं और बच्चों के कपड़े सारे नीचे गिराने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि बच्चों को इस तरह के काम करने में बड़ा मज़ा आता है। तो जब भी ओपन शेल्फ में बास्केट्स का यूज़ करें तो लिड के साथ यूज़ करें, नहीं तो शेल्फ ऊपर होना चाहिए जहाँ बच्चों को मिल ना सके। तो फाइनली अभी मैं अपने बच्चों के कपड़े कैसे सेट कर रही हूँ और कहाँ सेट कर रही हूँ वो बता रही हूँ।
तो सबसे पहले मैं इस बास्केट में अल्ट्रेशन के कपड़े रखूंगी, क्योंकि जब भी मुझे ये कपड़े निकालने पड़ेंगे तो मैं इसे ईजिली निकाल पाऊँ। और मैं इस बैग में सारे विंटर क्लोथ्स रखूंगी, जो सीज़न आने पर ही ये बैग ओपन करूंगी। और मैं इसको लेबल भी कर ली हूँ, जिससे मुझको ईजिली मिल सके। तो अभी यहाँ पर मेरे सारे बैग्स एंड बास्केट अरेंज हो गए हैं, तो अभी मैं इनको अरेंज कर लूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं अल्ट्रेशन के कपड़े की बास्केट रखी हूँ, एंड देन शगुफ्ता के न्यू क्लॉथ, साजनिन के न्यू क्लॉथ्स एंड डोनेशन के एंड विंटर क्लॉथ्स। तो मैं इस शेल्फ में इस तरह से अरेंज करती हूँ। मैंने इस तरह से सोचा है कि अगर हम बास्केट्स में कपड़े अरेंज करना ही है, तो फिर मैं बास्केट्स वाला ड्रॉल ही क्यों ना परचेस कर लूं, जिससे सभी कपड़े एक साथ रहेंगे और स्पेस भी ज़्यादा नहीं लेंगे। अब हम रेंटेड घर में रहते हैं, तो किसी घर में हमको शेल्फ मिलते हैं और किसी घर में नहीं। अगर हम इस तरह के ड्रॉल ले लेंगे तो बहुत कम स्पेस में आपके बच्चों के कपड़े अरेंज कर पाएंगे। अगर हम कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं करें तो हम वही कपड़े रिपीट करते हैं जो हमारे सामने इजी वे में मिल जाते हैं, और बाकी के कपड़े अंदर ही रहकर ही ख़राब हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। ड्रॉल्स हो तो ईजिली हम अपने बच्चों के कपड़े सेट कर सकते हैं और कम स्पेस में ज़्यादा कपड़े अरेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पहले बताई हूँ, हम कभी लेजी हो जाते हैं, ये नॉर्मल है, लेकिन हमारे शेल्फ में या कबर्ड में कुछ स्पेस खाली रहनी चाहिए। जब हम लेजी हो जाते हैं तो उसमें सारा स्टफ फिल कर दे। जैसा कि मैं यहाँ ऊपर एक बास्केट रखी हूँ, और मुझको टाइम जब भी मिला तब सेट कर देती हूँ, या कोई बास्केट पे अलग रख सकते हैं। और मैं इसमें कुछ डेली वेयर के कपड़े भी रखी हूँ, जो बच्चे इजीली ले सकें या मेरे कहने पर वो ला सकें। ड्रॉर्स पे स्टिकर्स भी लगा कर रखें, जिससे आइडिया हो जाता है कि किसमें क्या चीज़ रखी है। आप इस ड्रॉल्स को आसानी से इसे मूव कर सकते हैं। जब कभी आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तब आप इन ड्रॉल्स को अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्लोज़ेट में कोई शेल्फ या कोई एरिया एम्प्टी ज़रूर रखें, क्योंकि शॉपिंग करते रहते हैं हम, और न्यू स्टफ़ के लिए हमें न्यू स्पेस भी चाहिए होती है। अगर क्लोज़ेट पहले से ही फुल होती हो तो उसमें न्यू स्टफ़ के लिए स्पेस ही नहीं बचेगी। इसलिए सिर्फ वो चीज़ें रखें अपने क्लोज़ेट में, बच्चों के क्लोज़ेट में, जो करंट यूज़ में हो। मेरे ख्याल से घर जितना नीट एंड क्लीन रहेगा, देखने में उतना ही अच्छा लगेगा, और हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा सेफ होगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे आपका सपोर्ट ज़रूरी है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।